लेकिन एक और पहलू जो उभर के आ रहा है वो सबोटाज वाला, जहाँ पर कुछ बाहर के लोग, कुछ एंटी सोशल्स या मिस्क्रिएंट्स कह लीजिए, वो यदि कोई ऐसी हरकत करते हैं जिससे रेल की संरक्षा बाधित हो, तो उसमें हम लोग बहुत मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी जो रेल व्यवस्था है या जो लाइनों का जाल है, उस पूरे पर कंटिन्यूस निगरानी रखना लगभग असंभव है। कल रात एक घटना घटी हमारे सोनपुर मंडल में, जो समस्तीपुर जिले में ये एरिया पड़ता है, बरौनी समस्तीपुर सेक्शन में दो स्टेशन हैं, दलसिंह सराय और साठा जगह। इन दो स्टेशन के बीच में एक छोटा सा माइनर ब्रिज कहते हैं हम लोग, ब्रिज नंबर 20, जिसे आप लोग पुलिया कह सकते हैं, उस पुलिया के पास दो बड़े बड़े पत्थर के पिलर्स, जो करीब 1 मीटर लंबे पत्थर के पिलर्स, उसको एक पटरी के ऊपर ऐसे क्रॉस करके रख दिए गए। तो हमारे दो पेट्रोलमैन वहाँ से जा रहे थे, जो पटरी टूटने वाली चीज़ जो मैंने बताया जिसकी पेट्रोलिंग वो कर रहे थे, तो उन्होंने इस चीज़ को देखा और देख के वो दोनों कोशिश कर रहे थे कि इनको हटा दो। तो जैसे ही ये हटाने गए, तो पुलिया के नीचे छुपे हुए कोई 3-4 लोग निकले और इनको गाली गलौज करके वहाँ से भगा दिया। ये लोग भाग के दलसिंह राय स्टेशन आए, वहाँ स्टेशन मास्टर, RPF और सबको बताया। फिर दलसिंह राय स्टेशन से RPF, GRP, लोकल थाना और जो हमारे PWI के लोग होते हैं, सब मिलकर आए। उन्होंने आके वो पत्थर हटाया वहाँ से, और हटाने के बाद फिर ट्रेनें चालू की। तो इसमें हमारा कहने का मतलब यह है कि इस तरह की जो घटनाएं होती है, ये बहुत ही खतरनाक है। पता नहीं कौन लोग किस मकसद से करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर मकसद ये है कि कोई एक बड़ा धमाका करने, यही समझ में आता है कि कोई ऐसा काम करें जिससे पूरा हलचल मच जाए, पूरे देश में एक सनसनी सी फैले। इस तरह की कोई घटना करने का उद्देश्य ही दिखता है। अदरवाइज एक मेरे पास तस्वीर है, ये तस्वीर हालांकि रात के अंधेरे में टॉर्च में ली गई हुई है, तो पास से देखने से ही समझ में आता है कि दो पत्थर के स्लैब्स ऐसे रखे हुए। ये CPRO साहब आप लोगों को व्हाट्सएप पे दे देंगे,